समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर निश्चित रूप से सुधार हुआ है, लोगों की सोच में भी बदलाव आया है, लेकिन इसके साथ ही समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो महिलाओं के प्रति बहुत ही घृणित और घटिया सोच रखते हैं। आज के सभ्य समाज में भी अगर निर्भया जैसे गैंग रेप होते हैं तो निश्चित ही इस तरह के लोग समाज में रहने लायक तो नहीं होते। एक लड़की जो कल तक अपनी आगे की जिंदगी के सपने देख रही थी, एक ही रात में न केवल उसके सारे सपने टूटे बल्कि जीवन की डोर भी टूट गई। हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आज हम लेकर आए हैं निर्भया गैंग रेप केस की एक जानकारी। ये घटनाक्रम 16 दिसंबर साल 2012 का है, जब फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करने वाली एक लड़की अपनी माँ से दोपहर 3:30 बजे ये कहकर घर से निकलती है कि 2 से 3 घंटे में ही वो वापस आ जाएगी। दरअसल उस लड़की ने अपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त अवनेंद्र प्रताप से आज मिलने का वादा किया था और दोनों मूवी देखने वाले थे। घर से निकलकर वो अवनेंद्र से मिली, फिर दिल्ली के द्वारिका से ऑटो करके ये दोनों साकेत नगर में मौजूद सिलेक्ट सिटी मॉल पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर दोनों लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाते हैं। मूवी का इवनिंग शो शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे की टिकट लेकर वो दोनों थिएटर में बैठ जाते हैं। दोनों फुल मूवी एंजॉय करते हैं और वहीं दूसरी तरफ बस का संचालन करने वाले 4 लोग और उनके 2 साथी शराब की पार्टी कर रहे थे। शराब पीने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो बस में बैठकर कहीं घूमते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना ना केवल खतरे की बात है बल्कि कानूनी जुर्म भी है, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसा करते हैं। करीब रात 8:30 बजे के आसपास ये सभी बस को यूं ही दिल्ली की सड़कों पर यहाँ वहाँ घुमाने के बाद वो मुनिरिका सब्जी मार्केट के पास पहुँचते हैं। इन 6 लोगों में से एक खिड़की से बाहर सिर निकाल कर खानपुर खानपुर की आवाज लगाता है। मुनिरिका सब्जी मार्केट में रामाधार नाम का एक बढ़ई खान मार्केट तरफ जाने वाला था, इसीलिए वो इस बस में चढ़ गया। बस आगे बढ़ी तो बस में मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट और छीना झपटी करना शुरू कर दिया। उसका मोबाइल और 1500 रुपए लूटने के बाद उसे IIT फ्लायर के पास बस से धक्का दे दिया और बस आगे बढ़ गई। फिल्म लाइफ ऑफ पाई खत्म हो चुकी थी। वो लड़की अपने दोस्त के साथ सिनेमा हॉल के बाहर खड़ी होकर द्वारिका जाने वाले ऑटो का वेट कर रही थी। कोई भी ऑटो वाला द्वारिका जाने को तैयार नहीं था। जो जाना चाह रहे थे वो पैसा ज्यादा मांग रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑटो पकड़कर मुनिरिका बस स्टॉप पहुंचेंगे और वहां से 764 नंबर की बस पकड़कर चले जाएंगे। इसके बाद दोनों मुनिरिका बस स्टॉप पर पहुंचकर अपनी बस का इंतजार करने लगते हैं। लगभग 9 बजे सफेद रंग की एक चार्टर्ड बस वहां पहुंचती है। बस से द्वारिका और पालमपुर की आवाज लगाई जाती है। ये दोनों अपने घर पहुंचने के लिए लेट हो रहे थे, इसीलिए उस बस में दोनों आगे से दूसरे नंबर की सीट पर बैठ गए। बस में राम सिंह बस को ड्राइव कर रहा था, उसका छोटा भाई मुकेश सिंह बस का हेल्पर था, अक्षय कुमार बस का क्लीनर था, इसके अलावा पवन गुप्ता और विनय गुप्ता के साथ एक और लड़का राजू मौजूद था। मुनिरिका बस स्टैंड से आगे चलकर ये बस जब मलाई मंदिर फ्लाईओवर की तरफ बढ़ रही थी, तभी लड़की और लड़की ने टिकट मांगी तो उन्होंने टिकट देने के बजाय उनसे 10 रुपए लिए। बस जैसे ही फ्लाईओवर पर पहुंची, बस की लाइट बंद कर दी गई और 3 लोग अंधेरे में इन दोनों के पास पहुंचे। उल्टे सीधे कमेंट पास करने के साथ साथ गाली गलौज करने लगे। लड़की के साथ जो लड़का बैठा था उसने इनका विरोध किया तो तीनों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर लड़की ने अपना मोबाइल निकालकर पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने लड़की का मोबाइल छीन लिया। इसके बाद बस में रखी लोहे की रॉड लेकर 2 लोग आते हैं और फिर सभी मिलकर लड़के को बुरी तरह पीटने लगते हैं। लड़की जब अपने साथी को बचाने के लिए आगे आती है तो वो उसके साथ मारपीट करते हैं। इसके बाद बस में मौजूद ये सभी अपराधी उन दोनों से उनके पर्स, मोबाइल, ATM कार्ड, घड़ी जैसी तमाम चीजें ले लेते हैं। इतना ही नहीं, दोनों लड़के लड़की के कपड़े भी उतरवा दिए जाते हैं। इन दोनों के पिटाई से लड़का बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये सभी उस लड़की को बस की पिछली सीट पर ले जाते हैं और बारी बारी से लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। बस दिल्ली की सड़कों पर बेपरवाह दौड़ रही थी। बस के ड्राइवर बदलते जा रहे थे। ड्राइविंग सीट से उठकर बस का ड्राइवर भी वो लड़की के साथ रेप कर रहा था। लड़की की चीखें बस के भीतर तो गूंज रही थी, लेकिन बस के बाहर ट्रैफिक की आवाज के साथ मिलकर शायद किसी के कानों तक नहीं पहुंची। लड़की अपने साथ घट रही इस घटना का विरोध कर रही थी तो इन दरिंदों ने न केवल उसके साथ बुरी तरह मारपीट की बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया भी डाल दी। करीब घंटे भर से ज्यादा समय तक बलात्कार करने के बाद जब इन लोगों का मन भर गया तो उन सभी 6 दरिंदों ने लड़की और उसके दोस्त को महिपालपुर फ्लाईओवर के पास चलती बस से धक्का दे दिया और उसके बाद इन दोनों पर बस चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो इन दोनों को बस के नीचे कुचलकर मार डालना चाहते थे। मगर ऐन वक्त पर लड़की के दोस्त ने लड़की को सड़क के नीचे खींच लिया और दोनों बस के नीचे कुछ ले जाने से बच गए। इतना बड़ा कांड करने के बाद वो लोग बस को वहां से आगे की तरफ ले गए।
16 दिसंबर की उस रात दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उन दोनों के बदन पर इतने जख्म थे कि बताना भी मुश्किल था। दोनों के बदन पर कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। लड़का किसी तरह आने जाने वालों को इशारा करके रोकने और मदद करने की मन्नतें कर रहा था, पर उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। कुछ लोग रुकते और बात को समझते, लेकिन मदद करने के बजाय आगे बढ़ जाते। रात को 10 बज चुके थे, पर इन दोनों को कोई मदद नहीं मिली। उसी समय नेशनल टोल प्लाजा पर काम करने वाले राजकुमार NH-8 पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो उसी जगह से गुजरे जहां ये दोनों लोगों से मदद मांग रहे थे। उन्होंने इन दोनों को देखा। पास गए तो झाड़ियों में छिपे लड़का और लड़की नजर आए। लड़की कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। लड़के ने सारी बात बताई। इस बात को सुनने के बाद राजकुमार रोड के उस पार एक होटल में गए। वो वहां से एक चादर लेकर आए। चादर के 2 टुकड़े करके उन्होंने उनको दिए ताकि ये दोनों अपना बदन ढक सके। इसके बाद उन्होंने 100 नंबर पर कॉल किया। थोड़ी देर बाद पुलिस की 2 गाड़ियां वहां पहुंच गई। ये दोनों गाड़ियों को 2 अलग अलग थानों की थी, लेकिन पुलिस वालों का व्यवहार भी सबसे अजीब रहा। पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय सबसे पहले वो इस बात पर बहस करने लगे कि जिस जगह दोनों पीड़ित मिले थे वो किसके थाना क्षेत्र में आता है। इसके बाद इन दोनों को सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया गया। यहाँ इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने जब लड़की की हालत देखी तो उनकी भी हालत खराब हो गई। लड़की के शरीर पर गंभीर घाव थे, उसे इंटरनल इंजरी भी हुई। आंतों की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि इलाज कहां से शुरू करें। लड़की के माता पिता को बुलाया गया और उन्हें घटना की जानकारी दी गई। साउथ दिल्ली की DCP छाया शर्मा हालात का जायजा लेने खुद वहां पर पहुंची, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों से जब लड़की की हालत के बारे में सुना तो वो खुद हैरान रह गई। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझ लिया कि अगर इस मामले में थोड़ी भी देर हुई तो बात बिगड़ सकती है, क्योंकि किसी भी घटनाक्रम के घटने के बाद पहले 24 घंटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। DCP छाया शर्मा ने अपने काबिल ऑफिसर्स को बुलाकर उनके साथ मीटिंग की और बस को ढूंढने के काम को शुरू किया गया। लड़की के साथ ही अवनींद्र का बयान रिकॉर्ड किया गया, जिसने पूरी घटना के बारे में विस्तार से पुलिस को बताया। वसंत विहार में FIR दर्ज की गई। अवनींद्र ने बताया कि जिस बस में ये घटना घटी वो सफेद रंग की थी, जिसका पिछला दरवाजा जाम था। बस के दोनों तरफ पीले और हरे रंग की पट्टी थी। आगे यादव लिखा हुआ था। अब पुलिस इस तरह की बस की खोज में लग गई और शुरुआत वहां से की जहां से ये दोनों बस में चढ़े थे, यानी कि मुनिरका बस स्टॉप से, मगर यहां से कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद महिपालपुर फ्लाईओवर के पास पहुंची, जहां उन दोनों को बस से फेंका गया। वहां स्पॉट पर तो कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन रोड की दूसरी तरफ बने होटल्स के CCTV कैमरों की फुटेज पुलिस के काम आ सकती थी। इनमें से एक होटल की CCTV फुटेज पर पुलिस ने गौर किया तो उन्होंने देखा कि सफेद रंग की एक बस आधे घंटे के दौरान 2 बार वहां से गुजरी। उस बस पर यादव लिखा था। वो पहली बार 9:34 पर वहां से गुजरी और दूसरी बार 9:54 बजे वहां से गुजरी। इस बात पर पुलिस ने गौर किया और RTO ऑफिस से इस बस की डिटेल निकाली, जिसके अकॉर्डिंग वो बस स्कूल बस थी जो बच्चों को लाने ले जाने का काम करती थी। लेकिन फिलहाल वो बस कहाँ थी इसकी जानकारी उसके मालिक के पास भी नहीं थी। लेकिन पुलिस ने मुखबिर के जरिए ये पता लगा लिया। इस समय वो बस Sector 3 RKpuram रविदास कैंप के फील्ड में खड़ी है। पुलिस आनन फानन में वहां पहुंची तो देखा गुरुद्वारे के पास ही वो बस खड़ी हुई थी। बस के भीतर एक आदमी बैठा हुआ था जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, मगर पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने जब उसकी पहचान निकाली तो पता चला कि ये बस का वही ड्राइवर था जो उस समय बस को दिल्ली के सड़कों पर दौड़ा रहा था। इसका नाम राम सिंह था। आधिकारिक तौर पर शाम 4 बजे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को भी लेकर थाने आए और FSL की टीम ने भी बस की जाँच शुरू की। फिंगरप्रिंट, लोहे की रॉड जैसी चीजें जांच में शामिल की। तो दोस्तों, ये थी निर्भया गैंग रेप की वो कहानी जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस कहानी में आगे लड़के के एक नाबालिग दोषी को छोड़कर बाकी सभी को फांसी की सजा हुई। तो दोस्तों, आज की कहानी यही तक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।